पॉडकास्ट गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, हम मनोविज्ञान में जो शिक्षण विधि पढ़ा रहे थे वो हमने आपको बताया था विश्लेषणात्मक विधि। हमने कहा था विश्लेषणात्मक का अर्थ होता है कि जो है कोई भी समस्या हो उसको खंडों में बांट बांट कर समझना, फिर उसका हल करना। कोई भी समस्या आपके सामने आ जाए तो समस्या को क्या करना होता है, खंडों में विभक्ति यदि करके हुए उसका समस्या समाधान किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, विश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। लेकिन अब हम चलते हैं संश्लेषणात्मक विधि क्या होती है, इसमें कैसे समस्याओं का समाधान करेंगे, इसमें बच्चों को क्या लाभ होगा, शिक्षकों को क्या लाभ होगा, जो आपके लिए टेट सीटेट सुपर टेट बीओ की परीक्षाएं हो रही हैं, डायट की हो रही है, एमएड की हो रही है, उसके लिए आपको क्या लाभ होगा, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो साथियों, वीडियो अंत तक जरूर देखा करें। आइए चलते हैं संश्लेषणात्मक विधि। संश्लेषणात्मक विधि होती क्या है, इसको कहते हैं सिंथेसिस। अब सिंथेसिस मेथड क्या होता है, आइए देख लेते हैं। इसमें जो होता है, कोई भी समस्या आपके सामने आ जाए, तो संश्लेषण का अर्थ होता ही है चिपकना। तो जो होती है इसमें जो है समस्या को क्या करते हैं, जो खंडों को जोड़ना होता है, मतलब समस्या के खंडों को जोड़ा जाएगा और उसके बाद फिर देखा जाएगा इस खंड में ये समस्या, इस खंड में ये समस्या, इस खंड में ये समस्या, सारे समस्याओं को एक साथ ला करके फिर उसका अध्ययन करेंगे, फिर उसको जो है सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी जो है संश्लेषणात्मक विधि में जो आती है इसमें भी कुछ स्टेप्स होते हैं, पद होते हैं। तो इसमें कौन कौन से पद हैं, आइए उसको देखते हैं। तो कौन से स्टेप्स हैं, स्टेप्स का मतलब हो गया पद। तो किन पदों से होकर के गुजरता है, पहला होता है समस्या का प्रस्तुतीकरण। क्या होता है, समस्या का प्रस्तुतीकरण। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंतर्गत क्या करेंगे, इसमें शिक्षक समस्या को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। इसमें कौन प्रस्तुत करेगा, इसमें जो शिक्षक होता है, शिक्षक समस्या को प्रस्तुत करता है। समस्या को कौन प्रस्तुत करेगा, शिक्षक छात्रों के सम्मुख समस्या को प्रस्तुत करता है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप देख लीजिए, समस्या का ज्ञान। क्या हो गया, समस्या का ज्ञान हो गया। अब समस्या का ज्ञान में क्या करेंगे, अब इसमें जो होगी, अब छात्रों को समस्या का ज्ञान कराया जाएगा। छात्रों को समस्या का ज्ञान कराया जाएगा। तीसरा क्या हो गया, समस्या का हल करेंगे। अब ये तीन स्टेप हो गया, समस्या का हल करेंगे। तो इसमें क्या होता है, विश्लेषण करके फिर उसको क्या करेंगे, समस्या को हल किया जाता है। तो इन तीन स्टेप से होकर के गुजरता है। इन्हीं स्टेप को पूछ लेता है कि पहले जो है शिक्षक को बालक के सामने क्या प्रस्तुत करना चाहिए। तो बालक के सामने पहले समस्या का मतलब प्रश्न को प्रस्तुत कर देना चाहिए, फिर छात्रों को उन समस्याओं के बारे में बता देना चाहिए कि ये समस्याएं हैं, इसमें हमको ये निकालना है। जैसे अगर हमने आपको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने प्रश्न दे दिया मल्टीप्लाई करिए, अब आपको ये बताना हो मल्टीप्लाई दाएं से किया जाएगा बाएं से किया जाएगा, हमने उसका ज्ञान करा दिया, फिर हम विश्लेषण करेंगे, फिर समस्या का बालक क्या करेगा, अंत में समाधान कर लेता है। तो ये स्टेप से होकर के क्या होता है, गुजरना पड़ता है।
अब आते हैं इसके गुणों की हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर में इसके गुण क्या है, प्रॉपर्टी क्या है। आइए देखते हैं। तो इसके गुणों की चर्चा कर रहे हैं, संश्लेषण के गुण क्या होता है। पहला है, आप ध्यान दीजिए, जो इसका गुण है, प्रॉपर्टी है इसका, यह सरल एवं योग स्वाभाविक विधि है। सरल है, सरल है और क्या है, स्वाभाविक विधि है। इंपॉर्टेंट है, सरल भी है और कैसा है, स्वाभाविक विधि है। कमजोर छात्रों के लिए लाभदायक है। किसके लिए? कमजोर, कमजोर छात्रों के लिए, छात्रों के लिए क्या है, लाभदायक है, लाभदायक है। इसमें किन छात्रों के लिए लाभदायक होगा? पहला हो गया कि इसमें कमजोर छात्रों के लिए लाभदायक होगा, ये सरल और स्वाभाविक विधि है। यह मनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित है। यह किस पर आधारित है? मनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित है, विधि पर आधारित है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगला क्या है, इसमें शिक्षक सक्रिय रहते हैं। कौन सक्रिय रहते हैं? शिक्षक, शिक्षक क्या रहते हैं? शिक्षक सक्रिय रहते हैं। और अगला क्या हो गया, छात्र निष्क्रिय रहते हैं। छात्र क्या रहते हैं? निष्क्रिय, छात्र हो गए निष्क्रिय रहते हैं। तो छात्र इसमें क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया, और उसमें क्या हो गया, छात्र सक्रिय हो गए। तो इसमें निष्क्रिय हो गए, उसमें क्या हो गया, सक्रिय हो गए। अगला हो गया, तर्क चिंतन एवं निर्णय लेने की शक्ति का विकास नहीं हो पाता है इसमें। इसमें क्या होता है, तर्क हो गया, तर्क हो गया, चिंतन हो गया, चिंतन हो गया, निर्णय हो गया, निर्णय हो गया, शक्ति का विकास नहीं होता है। शक्ति का विकास बालक में नहीं हो पाता है, विकास नहीं होता है। यह जो है, अगला है, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। अज्ञात से, अज्ञात से किधर की ओर, ज्ञात की ओर अग्रसर होता है। तो ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हमने क्या कहा है, जो आपको तर्क चिंतन शक्तियों का विकसित इसलिए नहीं होता है क्योंकि ज्यादातर इसमें जो है शिक्षक ही कार्य कर देता है, सब कुछ शिक्षक ही इसमें रहता है, और इसमें छात्र क्या होता है, निष्क्रिय की भूमिका निभाता है। इसलिए निभाता है क्योंकि जो भी आपका प्रस्तुतिकरण करना हो गया, समस्याओं को बालक को के सामने प्रस्तुत शिक्षक करेगा, समस्याओं को वही बताएगा, कैसे करना है सब कुछ वही बता देता है। तो आखिर में बचता क्या है, बचता केवल उसको समझ लेना कि ये हो कैसे रहा है। तो इसके मतलब वो बहुत ज्यादा जो है एक्टिव नहीं रहता, बहुत ज्यादा चिंतन नहीं कर पाता है, इसलिए यह विधि जो है बहुत अच्छी नहीं मानी गई है, बहुत अच्छी नहीं मानी गई। क्यों नहीं मानी गई? क्योंकि किसी भी विधि का अर्थ होता है बालकों में तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति और आपका कल्पना शक्ति आदि का विकास कराना ही होता है। तो इसमें हो नहीं रहा है, इसलिए यह विधि बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। अगला हम चलेंगे, कल बताएंगे कि जो है प्रयोगशाला विधि क्या होती है। जैसे प्रयोगशाला हो गई, अब प्रयोगशाला में आपको जाना है, लेबोरेटरी में आपको जाना है, तो क्या करना होता है, लैब में होती क्या है, लैब में जितनी भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी सहायता से आपको खोज करना होता है। क्या करना होगा, खोज करना होता है। तो लेबोरेटरी मेथड एक ऐसी मेथड है जिसमें किसी भी कार्य को प्रत्यक्ष देखते हुए और उन्हीं की सहायता से नई चीजों को खोज लेना, वो क्या हो जाएगी, लेबोरेटरी मेथड होगी। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।